السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वॉइस फिर आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? वॉइस फिर بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد. جي وايس كلير سكرين دکھائی دے رہا ہے نا آپ کو؟ سکرین نظر آ رہا ہے نا؟ ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग. लेसन 9 हम लोग कर रहे थे लास्ट क्लास में, और लेसन 9 हमारा खत्म हो चुका है. अलहमदुलिल्लाह सबक नंबर 9 हम लोग कर चुके हैं. ठीक है, और सबक 9 में एक अहम कायदा गुजरा था, और वो कायदा नात मनूत का था, और साथ साथ एक और नया अल्फाज या लफ्ज आया था. कौन सा लफ्ज आया था? अल्लज़ी. ठीक है, तो ये तर्जुमा इसका बता दिया गया था, इसका तर्जुमा क्या है, ट्रांसलेशन बता दिया गया था, और इसकी वजाहत जो है नहीं की गई थी. ठीक है, तो हम लोग आज वजाहत करेंगे, और ये वजाहत मुख्तसर होगा, शॉर्ट वजाहत होगा. अभी ज़्यादा वजाहत एक्स्ट्रा वजाहत करने की ज़रूरत नहीं, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन काफ़ी है. ठीक है, ये जो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे अभी अल्लज़ी को, वैसे किताब में भी वैसे अभी एक्सप्लेन नहीं किया गया, चैप्टर में भी अभी अल्लज़ी को वैसे एक्सप्लेन नहीं किया गया है. जैसे अभी हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे, और जैसे हम लोग अभी समझेंगे इंशाल्लाह, तो ये बाद में इसको वैसे एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन पहले से हम लोग इंशाल्लाह ये समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, और ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, इंशाल्लाह आसान रहेगा. ठीक है, ये समझना भी मुश्किल नहीं रहेगा. तो अल्लज़ी से मुतल्लिक हम लोग अभी रिवाइज करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, ये हम लोग कर चुके हैं अल्लज़ी. आज थोड़ा सा बस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आपको देंगे, टेक्निकल ग्रामेटिकल टर्म्स. ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हमें एक सेंटेंस बनाना है. क्या कहना है कि शागिर्द मेहनती है, द स्टूडेंट इज़ हार्ड वर्किंग. माने मेल शागिर्द मेहनती है, मेल स्टूडेंट हार्ड वर्किंग है. ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, सेंटेंस एक बनाना है. तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे, शागिर्द मेहनती है, माने एक पर्टिकुलर शागिर्द मेहनती है. बताइए कैसे बनेगा सेंटेंस कि शागिर्द मेहनती है, द स्टूडेंट इज हार्ड वर्किंग. ये हम लोग को बनाना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक वर्ड लाएंगे शागिर्द, जो कि क्या है, तालिब. ठीक है, यहाँ देख रहे हैं अब तालिब, अब तालिब हो गया द स्टूडेंट. ठीक है, अलिफ लाम लाना पड़ेगा. हाँ, स्टूडेंट जब बन रहा है अलिफ लाम लाएंगे. अलिफ लाम मारिफा से बनता है, जनरली अक्सर जो जुमला बनता है वो मारिफा से शुरू होता है. अब तालिबु ये हो गया. ठीक है, और ख़बर जो है क्या करना है, हमें लाना है मेहनती, यानी कि मुज्तहिद. तो मुज्तहिद लफ्ज़ का मतलब क्या होता है, मेहनती, हार्ड वर्किंग, जद्दोजहद करने वाला. ठीक है, मेहनती मुज्तहिद. तो अब तालिबु मुज्तहिद, ये ठीक है ना. द स्टूडेंट, द मेल स्टूडेंट इज़ हार्ड वर्किंग. मुब्तदा खबर, मुब्तदा खबर जब मिल जाता हमें तो जुमला कंप्लीट हो चुका है, सेंटेंस कंप्लीट है. ये मुब्तदा है, ये खबर है. ठीक, लेकिन हमें एक कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताना है. ये सिंपल सेंटेंस नहीं कहना, बल्कि क्या कहना है कि शागिर्द जो क्लासरूम से अभी अभी निकला, या क्लासरूम से जो अभी क्लास से निकला वो मेहनती, यानी कि वो शागिर्द जो क्लास से अभी निकला मेहनती है. ठीक है, ये कहना है पर्टिकुलर शागिर्द के बारे में. हो सकता है बहुत सारे शागिर्द वहाँ पर हो. ठीक है, हो सकता है बहुत सारे शागिर्द आसपास में हो, तो बताना ये नहीं, नहीं शागिर्द से मुराद कौन शागिर्द, वजाहत करनी है ना. सिर्फ कहेंगे शागिर्द मेहनती है तो मुराद होगा कौन सा शागिर्द मेहनती है. ये वजाहत करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्या ला रहे हैं हम लोग उर्दू में, शागिर्द जो. ठीक है ना, यानी कि वो शागिर्द जो
इंग्लिश में क्या आएगा, द स्टूडेंट हु, ठीक है। तो इस तरह का लफ्ज जो हम लोग ला रहे हैं उर्दू में या इंग्लिश में, ठीक है, क्या लाना पड़ेगा बीच में यहाँ पे, जो, या इंग्लिश का क्या होगा हु, अरबी में क्या लाना पड़ेगा, अल्लज़ी, अल्लज़ी, ठीक है, ये लाना पड़ेगा, ठीक है, अल्लज़ी। अब तालिबु अल्लज़ी, तो जुमला ऐसा हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। वॉइस नहीं सही नहीं है क्या, एक मिनट, सबका प्रॉब्लम हो रहा है वॉइस का क्या, जी। हाँ अभी देखिए वॉइस अभी सही है, अभी ठीक है क्या, ठीक है, अच्छा ठीक है। तो अत्तालिबु मुज्तहिदुन, ये कहना था हमें सेंटेंस बनाना, अत्तालिबु मुज्तहिदुन, शागिर्द मेहनती है, ठीक है। लेकिन हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना है यहाँ पे कि शागिर्द माने कौन सा शागिर्द, शागिर्द के बारे में कुछ खूबी बतानी है हमें कि वो शागिर्द, ठीक है ना, जो क्लासरूम से अभी अभी निकला, द स्टूडेंट हु केम आउट ऑफ द क्लास नाउ, ऐसा जुमला हमें अरबी में कहना है, ठीक है। तो उसके लिए हम उर्दू में क्या इस्तेमाल करते हैं, जो इंग्लिश में हो, अब अरबी में क्या इस्तेमाल करेंगे, अल्लज़ी, ठीक है, अल्लज़ी इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो अच्छा, तो वैसा जुमला हम लोग को लाना है, ठीक। तो कैसे लाएंगे वो देखना है। तो अब तालिबु, ठीक है, अब तालिबु अल्लज़ी, ठीक है ना, अत्तालिबु अल्लज़ी, ये दाल का अत्ता अल्लज़ी, अत्तालिबु अल्लज़ी, ठीक है, द स्टूडेंट हु, शागिर्द जो, ठीक है। तो अच्छा, इससे पहले जो 5 मिनट क्लास की एकदम ही आप लोगों को सुनाई नहीं दिया क्या, रिकॉर्ड नहीं हुआ सही से, चेक करना पड़ेगा। सुनाई दे रहा था कि एकदम ही सुनाई नहीं दे रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या, अभी जो 5 मिनट क्लास हुआ या 10 मिनट क्लास हुआ, सुनाई दे रहा था ना, ये कम सुनाई दे रहा था। अच्छा ठीक है, चलिए तो फिर रिकॉर्ड पढ़ना पड़ता, चलिए। अत्तालिबुल लज़ी, द स्टूडेंट, शागिर्द जो, यानी कि या फिर वो शागिर्द जो, ठीक है, वो शागिर्द जो, हाँ क्या कहना है हमें, जो निकला, निकलने के लिए क्या वर्ड लाना पड़ेगा, फेल लाना पड़ेगा, जो कि क्या है, खराजा, अल्लज़ी खराजा हो गया, जो निकला, अल्लज़ी खराजा, कहाँ से निकला, क्लास से निकला, तो उसके लिए क्या लाएंगे हम लोग, मेन क्लास, मतलब पर्टिकुलर खास क्लास, तो क्या होगा, फसली, और ये मेन को सुकून देकर, और ये मेन को सुकून, सुकून देकर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये सुकून यहाँ पे भी है, तो उसको क्या करेंगे, पता कर देंगे, मिनल फसली, ठीक है, अल्लज़ी खरजा मिनल फसली, और कहना है अभी निकला, वक्त बताना है, काम कब हुआ, अलाना, अलाना ये क्या हो गया, ये ज़र्फ़ हो गया, मंसूब देख रहे हैं, ये ज़र्फ़ हो गया, वक्त बता रहा है, अलाना, आज, अल यौमा, अभी, इस तरह का वर्ड को क्या कहते हैं, ज़र्फ़ कहते हैं, एडवर्ब, ज़र्फ़, ये मंसूब होता है, और इसका मुदाफ़ इलैही भी होता है, लेकिन कुछ ज़र्फ़ का मुदाफ़ इलैही नहीं होता है, जैसे अलाना देख रहे हैं, उसका मुदाफ़ इलैही नहीं होता, तो अल्लज़ी खरजा मिनल फसली अलाना मुज्तहिदुन, ठीक है, मुज्तहिदुन यानी कि मेहनती, अत्तालिबु अल्लज़ी खरजा मिनल फसली अलाना मुज्तहिद। अब बताइए इस जुमले में मुब्तदा खबर कहाँ है, कौन बताएगा, इस जुमले में सब्जेक्ट प्रेडिकेट या मुब्तदा खबर कहाँ पर है, बताइए कौन जवाब देगा, मुब्तदा खबर कहाँ है, अत्तालिबु अल्लज़ी, अत्तालिबु मुब्तदा है और मुज्तहिदुन खबर है, मुज्तहिदुन खबर है, हाँ बहुत अच्छा, ऐसा हो सकता है कि अरबी में कि खबर 1 किलोमीटर के बाद आए, हो सकता है क्या, अब तालिबु मुज्तहिदुन है ना, खबर 1 किलोमीटर बाद आए, यानी कि काफ़ी दूर आए, बहुत देर के, बहुत अल्फाज के बाद आए, हो सकता है, वजाहत करनी है हमें ना, तो अत्तालिबु अल्लज़ी खरज मिन अल-फ़स्ल आना मुज्तहिदुन, तो यहाँ वजाहत करने के लिए एक वर्ड लाना पड़ा, जिसको क्या कहते हैं अरबी में, कौन सा वर्ड लाना पड़ा, अल्लज़ी, ठीक है। अब इस अल्लज़ी, ये इस्म है या फ़ेल है या हर्फ है, ये पता करना है कि इसम है, फेल है या हर्फ है, तो अल्लज़ी का मीनिंग क्या हो रहा है, जो, तो जो से मुराद एक
पर्टिकुलर कोई चीज हो गया है ना, अल्लज़ी कोई चीज हो गया या कोई शख्स हो गया, तो ये इसम है, ये फेल और हर्फ नहीं, ठीक है, ये इसम है, ठीक है। इस इसम कैसा इसम कहते हैं, ये इसम मौसूल है, क्या कहते हैं इसको, इसम मौसूल, ठीक है, इस्मुल मौसूल, इस्मुल मौसूल, रिलेटिव प्रोनाउन इसको इंग्लिश में कहते हैं, अभी छोड़ दीजिए, इस्मुल मौसूल है, चलिए इतना ही जान लो, इसम मौसूल है, ठीक है। और जब भी ये अल्लज़ी आएगा ना, ये अकेले कभी नहीं आता, अल्लज़ी जब भी आएगा तो ये अकेले इंडिविजुअली अकेले नहीं आ सकता, क्योंकि आप देखिए अगर कोई कहे सिर्फ अल्लज़ी कह के खामोश हो जाए, कहे शागिर्द जो, सवाल पैदा होता क्या जो, शागिर्द जो, आदमी जो, औरत जो, गाड़ी जो, किताब जो, जो के बाद खामोश नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ वजाहत करना ज़रूरी है, ठीक है। तो जो के बाद में हमेशा कुछ ना कुछ एक वजाहत करने वाला एक जुमला या कुछ अल्फाज आएंगे, आएगा, ठीक है। अल्लज़ी के बाद में हमेशा कुछ ना कुछ एक वजाहत करने वाला कुछ एक आएगा ज़रूर, चाहे वो सेंटेंस हो चाहे वो जार मजरूर हो, ठीक है, या ज़र्फ मुदाफ इलैह, ठीक है, कुछ ना कुछ अल्लज़ी के बाद वजाहत करने वाला आना ही है। तो अल्लज़ी का अल्लज़ी माने यानी कि जो, और इसकी वजाहत अब कहाँ हो रही है, खरज मिन अल-फ़स्ल अल-आन, इसमें हो रही है। तो जो सवाल पैदा होता क्या जो, ठीक है, अल्लज़ी में सवाल एक पैदा हुआ जो, तो क्या जो, अब कह रहा ये जो, हाँ जो मैंने कि क्या, अच्छा ये, हाँ जो निकला क्लास से अभी, जो निकला क्लास से अभी, ये हो रहा माने, ठीक है। तो शागिर्द जो, या कहेंगे यहाँ पे वो शागिर्द जो, द स्टूडेंट हु, वो शागिर्द जो, ठीक है, तो अल्लज़ी का मतलब होता है जो, ठीक है, या कहेंगे वो जो, एक वो जो है ना, अल्लज़ी है पहले से वो जो, ठीक है, तो अल्लज़ी यानी कि जो, यह मुराद है वो जो, ठीक है। तो शागिर्द वो जो, यानी कि कहेंगे वो शागिर्द जो, खरजा मतलब क्या होता है, वो निकला, वो निकला, ठीक है। तो यहाँ पे जो के बाद फिर वो निकला कहने की ज़रूरत नहीं कि अल्लज़ी शागिर्द वो जो, या वो निकला नहीं, या वो शागिर्द जो वो निकला नहीं, अल्लज़ी जब भी आ गया ना तो सिर्फ कहेंगे क्या, निकला, यानी कि वो शागिर्द जो निकला, ऐसे नहीं कहेंगे वो शागिर्द जो वो निकला, खरजा का मतलब ही होता वो निकला, क्योंकि खरजा में कौन निकला, ये वो हुआ इसमें पहले से छुपा हुआ, ठीक है ना, वो निकला, ठीक है। तो लेकिन कहेंगे नहीं, फिर से बता रहे हैं, शागिर्द या फिर वो शागिर्द जो खरजा में वो निकला नहीं, क्या कहेंगे, वो शागिर्द जो निकला, बस इतना ही कहेंगे, ऐसे कहेंगे, ठीक है। द स्टूडेंट हु वेंट आउट, वो शागिर्द जो निकला, कहाँ से, मिन अल-फ़स्ल, क्लास से, अल-आना अभी, अल-आना अभी, मुस्तहिल खबर, ये खबर हो गया, ठीक है। तो इसे मौसूल कहते हैं, क्या इसको, अल-लज़ी को इसे मौसूल कहते हैं, ठीक है। और अल-लज़ी का वजाहत हो रही किस चीज़ से, खरजा मिन अल-फ़स्ल अल-आना, अल-लज़ी इसे मौसूल जब भी आएगा अकेले नहीं आएगा, कुछ ना कुछ इसका वजाहत ज़रूर होगा, कुछ ना कुछ इसका वजाहत ज़रूर होगा, और वजाहत के साथ वो आएगा, अकेले नहीं आता, ठीक है। अच्छा एक और एग्जांपल लेके करते हैं, ठीक है। किताब, या वो किताब जो मेज़ पर है हामिद की है, वो किताब जो मेज़ पर है हामिद की है, कैसे कहेंगे इसको अरबी में, वो किताब जो मेज़ पर है, अलल किताब भी अल्लज़ी अलल मक्तबी ली हामिदिन, ठीक है, बहुत अच्छा, बारकल्लाह फीक। तो अल किताब, अल किताब कहेंगे, सेम जैसे जुमला बना था वैसे इसको भी लाते हैं, अल किताब द बुक, यानी कि वो किताब जो, अब जो लाना है, अल्लज़ी जो क्या है, अलल मक्तबी, अलल मक्तबी, ठीक है, जो मेज पर है, ठीक है, ली हामिदिन, ठीक है, हामिद की है, अल किताब अल्लज़ी अला अल मक्तबी ली हामिदिन, किताब जो मेज पर है हामिद की है, ठीक है। तो यहाँ फिर से वही सवाल पैदा होता है, जुमला है ना, हाँ जुमला है, तो मुब्तदा खबर कहाँ है, तो किताब को देख रहा है, अल किताब मुब्तदा है, ठीक है, अल्लज़ी क्या खबर है, ठीक है, नहीं, तो फिर खबर कहाँ है, सवाल पैदा होता है, अल किताब अल्लज़ी अला अल मक्तबी खबर
यह कहाँ ये सवाल पैदा होता है? ली मुदरसिन, ली मुदरसिन, मुदरिस तो लफ्ज यानी है, हाँ तो बताइए खबर कहाँ है? ली हामिदी, हाँ ली हामिदी, बहुत अच्छा, कमेंट्स में भी आ रहा है ली हामिदी, ये खबर है, ली हामिदी क्या हो गया? खबर हो गया, मुक्तदा खबर यही होगी। या फिर अल्लज़ी क्या है? इसम मौसूल, जो वाला लफ्ज, जो जो वाला लफ्ज, और जो वाला लफ्ज कभी अकेले नहीं आ सकता, जो वाला लफ्ज कभी अकेले नहीं आ सकता, जो की वजाहत होनी चाहिए कुछ ना कुछ, तो ये जो की वजाहत है, अलल मकतब मेज पर, जो क्या, जो मेज पर है, जो मेज पर है, हम खुद खबर देख रहे हैं, वो दूर भी हो सकता है, अल किताब वो यहाँ है, अल यहाँ मेरे दूर में, तो ऐसा भी हो सकता है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं, ये जुमला जो था इसको यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे चार्ट में बना दिया गया, स्लाइड की शक्ल में आप देख सकते हैं और उसको नोट आप बना सकते हैं, ठीक है। तो वही जुमला है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा है चीज कि अल्लज़ी को क्या कहते हैं? इसम मौसूल, ठीक है, अल्लज़ी का, अल्लज़ी को क्या कहते हैं? अरबी में इसम मौसूल है, ठीक है। और अल्लज़ी की जो वजाहत, अल्लज़ी कभी तो अकेले नहीं आ सकता, क्या मान है ना, जो जो कुछ होना चाहिए, तो अल्लज़ी की वजाहत किसमें हो रही है? ये बॉक्स बना हुआ, इसमें अल्लज़ी की वजाहत हो रही है, अल्लज़ी शागिर्द, वो शागिर्द जो निकला क्लास से, जो निकला क्लास से, अलाना है, हट गया, कोई बात नहीं, जो निकला क्लास से मुस्तहिद, मेहनती है। तो ये जो लफ्ज आप देख रहे हैं सेम यहाँ पे, अल्लज़ी अलल मकतबी, किताब जो क्या, जो जो मेज पर है, इसको भी कह, जैसे अल्लज़ी को इसे मौसूल कह रहे हैं, ठीक है, वैसे जो जैसे अल्लज़ी के बाद जो लफ्ज आ रहा है उसको क्या कहते हैं, ठीक है, अल्लज़ी के बाद जो लफ्ज आ रहा है, अल्लज़ी को क्या कह रहे हैं हम लोग? इसे मौसूल, ठीक है, अल्लज़ी को क्या कह रहे हैं? इसे मौसूल, ठीक है। अल्लज़ी की वजाहत किस में हो रही है? ये खरजल आना मिनल फसली, तो इसको क्या कहते हैं? सिलतुल मौसूल, ठीक है, सिलतुल मौसूल माने, या इसको सिला भी सिर्फ कहते हैं, क्या जो, ठीक है, सिलतुल, ये भी अगर याद नहीं आए तो कोई बात नहीं, आगे बढ़िए, ठीक है ना। अल्लज़ी कभी भी अकेले नहीं आएगा, जब भी अल्लज़ी आएगा तो अपने सिलतुल मौसूल के साथ आएगा, ठीक है, सिलतुल मौसूल के साथ आएगा। सिलतुल मौसूल क्या है? ये लफ्ज, ये लफ्ज सिलतुल मौसूल है कि क्या जो, खरजल आना मिनल फसल, जो निकला क्लास से अभी। अच्छा लाना यहाँ लिख दिए ना, यहाँ पे किताब जो क्या जो, कौन सी किताब, विच बुक, अलल मकतबी, जो मेज पर है। यहाँ पे इंग्लिश में तर्जमा क्या होगा? विच का होगा, अल्लज़ी का, और यहाँ पे इंग्लिश में तर्जमा क्या होगा? अल्लज़ी का, हो का, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ हु या विच वगैरह, ठीक है, आ सकता है। द बुक विच इज ऑन द टेबल बिलोंग्स टू हामिद, ठीक है, किताब या वो किताब जो मेज पर है, जो मेज पर है हामिद की, ये समझ में आ गया। अल्लज़ी को कहते हैं इसम मौसूल, और अल्लज़ी की जो वजाहत करता है क्या जो, जो के बाद आने वाला लफ्ज, जो के बाद आने वाले लफ्ज को क्या कहते हैं? सिलतुल मौसूल कहते हैं। और ये एक जुमला हो सकता है, जैसे कि ये जुमला खुद में एक जुमला है, वो निकला क्लास से, या जार मजरूर हो सकता है इस तरह के पास, मेज पर, अलल मकतबी, ठीक है। तो ये अल्लज़ी की वजाहत हो गई, इतना ही काफ़ी है, ठीक है। अच्छा और आगे एक चीज़ देख लीजिए, तो ये समझ में क्या आया कि एक्चुअल सेंटेंस तो कंप्लीट होता है, इसी इन्हीं दोनों में सेंटेंस कंप्लीट है ना, किन दोनों में? यही तालिबु में, तालिबु मुस्तहिदुन, अल किताबु लिहामिनी, सेंटेंस तो कंप्लीट इसी में है। अब इसकी ज़रूरत क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा, ठीक है, ये आकिल गैर आकिल दोनों के लिए आता है अल्लज़ी, ठीक है ना, आकिल गैर आकिल दोनों के लिए क्या आता है? अल्लज़ी आता है, ठीक है, चाहे आकिल हो चाहे गैर आकिल हो। अल्लज़ी से जुमला स्टार्ट भी हो सकता है, लेकिन वैसे जुमला भी हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, अल्लज़ी से जुमला स्टार्ट भी हो सकता है, शुरू भी हो सकता है, लेकिन वैसे जुमला भी हम नहीं कर रहे, ठीक। और अल्लज़ी जो है वो इसम है, तो इसम जैसे मुब्तदा बनता है, खबर होता है, ठीक है, नात बनता है, वैसे ही आपका अल्लज़ी भी, वैसे अल्लज़ी क्योंकि अल्लज़ी इसम है, ठीक है, अल्लज़ी इसम, वो इसम जैसा नॉर्मल मुकदा खबर हो सकता है, अल्लज़ी भी मुकदा खबर बन के आ सकता है, ठीक है, लेकिन अल्लज़ी यहाँ पे सिंपल तौर पे आ रहा है, शुरुआत अल्लज़ी से नहीं हो रहा जुमला का, ठीक है ना। तो अल्लज़ी ये तो समझ में क्या है, मुकदा खबर ही मेन मैटर करता है, अल्लज़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए आता है, डाउट हो शक हो तो उसको क्लियर करने के लिए अल्लज़ी आ सकता है, वजाहत करने के लिए अल्लज़ी आ सकता है, ठीक है।
तो अच्छा यहाँ पे देखिए, तो ये कुछ और मिसालें हैं लजी की जो आप घर में देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताया क्या जा रहा है, इन मिसालों में जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है वो ये है कि दफ्तर यानी कि नोटबुक एक्सरसाइज कॉपी ली अली, यानी अली की है, ये मुब्तदा खबर हो गया, यही बताया गया। असलुल जुमला, जुमला का असल, ओरिजिन ऑफ द सेंटेंस या ओरिजिनल सेंटेंस क्या है, ये है अदफ्तरु अलीगिन, यही ना है अदफ्तरु ली अलीगिन, कॉपी अली की है, कॉपी अली की, ये असल जुमला है, ठीक है। लेकिन वजाहत करना है कि कौन सी कॉपी अली की है, जो तहतल किताबी, जो किताब के अंदर है, किताब के अंदर कॉपी है, अदफ्तरु अल्लज़ी तहतल किताबी, जो किताब के अंदर एक कॉपी घुसी हुई, कॉपी डाली हुई है, ठीक है ना, अल्लज़ी तहतल मकतबी, ठीक है। इस तरीके से और क्या जुमला है, और देख लीजिए अल मिंदीलु, रुमाल, अल मिंदीलु, ठीक, तहतल मने की अंदर, ठीक है, इसमें अच्छा सॉरी हाँ सही, अच्छा मजाक किए, तो तहता से मुराद क्या है, ये नीचे, ठीक है ना, तहता से मुराद क्या, नीचे, ठीक है, अंदर नहीं, नीचे, अंदर नहीं, नीचे, ठीक है। एक भाई ने बताया, एक स्टूडेंट ने, बरकल्लाफी जजाकल्लाह, तो तहता मैंने अंडर, जो किताब के नीचे है, मैंने किताब कॉपी ऊपर है, किताब किताब ऊपर है, कॉपी नीचे, ठीक है, कॉपी जो किताब के नीचे है वो अली की। और एक देखिए अलमिंदील, रुमाल, नजीफ, रुमाल साफ है, अलमिंदील नजीफ, ये असल जुमला है, ये बताया गया अलमिंदील नजीफ, लेकिन वजाहत करना है कि रुमाल जो अलल मकतबी, जो मेज़ पर है वो साफ, ठीक है ना, इस तरह का, इस तरह की वजाहत आ रही है, ठीक है। जैसे शागिर्द मिनल फिलिपीनी, फिलीपींस का है शागिर्द, स्टूडेंट कहाँ का है, द स्टूडेंट इज फ्रॉम फिलीपींस, ठीक है, तो यही असल जुमला है। लेकिन अल्लज़ी ला के क्या कर रहे हैं, अल्लज़ी को ला करके वजाहत कर रहे हैं, जो खरजल आना, जो निकला अभी, तो अल्लज़ी वजाहत करता है, ठीक है ना, ये पता चलाना, ठीक है। और जो याद रखिए, तो अल्लज़ी जो है ना, उसको देखिए रेड कर दिए यहाँ से रेड बॉक्स में, तो अल्लज़ी यहाँ पे काम क्या कर रहा है, उसका रोल क्या है, इसम मौसूल तो है, लेकिन अल्लज़ी जो है ना वो सिफत के तौर पर, नात के तौर पर आ रहा है, ठीक है। अभी किताब में आपका नात ऐसा बताया नहीं गया अल्लज़ी को, ठीक है, लेकिन अगर कोई हमसे पूछता है कि अल्लज़ी का रोल क्या है, तो हम कहेंगे अल्लज़ी नात या सिफत के तौर पर आ रहा है, ठीक है ना। तो अल्लज़ी यहाँ मुब्तदा का नात है, किसका नात है, ये दफ्तर, ठीक है। तो वह एक नात मनुक तो मैच करता है चार चीज़ों में, ठीक है, तो अल्लज़ी दफ्तरु है, अल्लज़ी तो नहीं है, ये अल्लज़ी तो नहीं है, मैच कर रहा है, ठीक है। तो अल्लज़ी मबनी है, फिक्स्ड है, वो हमेशा ऐसे ही आता है, अल्लज़ी क्या है, मबनी है, हमेशा ऐसे ही आता है, ठीक है। और अल्लज़ी क्या है, ये मारिफा है, यानी कि जब हम कहते थे किसी चीज़ के बारे में जो, तो वो मारिफा हो जाता है, इशारा, दमायर, अल्लज़ी वगैरह, ये सब मारिफा है, जो क्या, जो तो मारिफा हो जाता है, ये मारिफा है, ठीक है। तो मारिफा मारिफा में मैच कर रहा है ये, और अल्लज़ी मुज़क्कर के लिए आता है, ठीक है, तो मतलब अल्लज़ी का मुअन्नस भी है, जो हम लोग आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, अल्लज़ी का मुअन्नस भी है, क्या है अल्लज़ी का मुअन्नस, अल्लती, अस्सय्यारतु अगर होता तो अस्सय्यारतु अल्लती हो जाता, ठीक है। तो ये मुज़क्कर मुज़क्कर भी मैच कर रहा है, दफ्तर मुज़क्कर है, कॉपी मुज़क्कर है, शागिर्द अत्तालिबु मुज़क्कर है, तो अल्लज़ी भी मुज़क्कर ही मैच कर रहा है, ठीक है, तो ये भी मैच करता है, ठीक है ना। तो ये नात नात बन करके आ रहा है, क्योंकि शागिर्द शागिर्द जो निकला, तो शागिर्द की सिफत ही एक तरीके से है ना, शागिर्द जो निकला, ठीक है, कॉपी जो किताब के नीचे है, इस तरीके से, ठीक है। तो अक्सर कुरान में ना अल्लज़ी आप पढ़ेंगे तो नात ही बन करके आता है, वो सिफत के तौर पर आता है, ठीक है। कुरान आप पढ़ेंगे अक्सर कुरान में, या अक्सर हम कहेंगे अरबी में भी कह सकते हैं, पूरा अरबी में, पूरी अरबी में और पूरी कुरान में आप देखिएगा, अक्सर जो है वो अल्लज़ी नात ही बन करके आया करता है, एज अ नात, इट कम्स एज अ नात, ठीक है। तो ये हमारा अल्लज़ी का जो चैप्टर था अल्हम्दुलिल्लाह, ये हो गया क्या ख़त्म, ठीक है। अब ये लेसन 10 हम लोग इंशाल्लाह जब स्टार्ट करेंगे, अब लेसन 10 का कुछ 10 मिनट करके आपको छोड़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये सबक नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया है, उम्मीद करते होमवर्क आप नात मनुत को होमवर्क दिया गया था आप कर लिए हैं, ठीक है, अगर नहीं किए तो उसको कर लीजिएगा, ठीक है, होमवर्क कर लीजिए और ग्रुप में उसका स्नैपशॉट फोटो खींच के दे दीजिएगा। अच्छा दमायर याद कीजिए सबसे पहले, आगे बढ़ने से पहले
गमायर याद है ना आपको, ये अब आने वाला है, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। अगर आप में से किसी को ये याद नहीं हुआ है तो इसको याद कर लीजिए, ठीक है। ये दमीर जो है, ठीक है, प्रोनाउन हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना, ठीक है, हुआ मर्द के लिए वो, हुमा हुम वो दोनों, वो सब। अब औरत के लिए आइए, हिया वो, हुमा वो दोनों औरतें, हुन्ना वो सारी औरतें, ठीक है ना। अभी इसी को पकड़ के चलिए, ठीक है ना। हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना, यहाँ पर वही चीज है, सामने सेकंड पर्सन, वो मेरे सामने है। अंता अंतुमा अंतुम, तुम दोनों, तुम सब, मर्द के लिए। अब औरतें सामने, एक औरत सामने, तो अंति तुम, अंतुमा तुम दोनों औरतें, अंतुन्ना तुम सारी औरतें। अब क्या बचा, मैं और हम, ठीक है। अब औरत कहे अपने बारे में मैं, मर्द कहे अपने बारे में मैं, तो क्या कहेगी, अना। नहनु, मर्द कहे औरत कहे अपने बारे में, दो मतलब नहनु माने दो औरतें कहें या तीन औरतें कहें या तीन मर्द दो मर्द दस मर्द, जो भी हो, एक से ज्यादा औरतें हों या एक से ज्यादा मर्द हो, तो उसके बाद अपने बारे में क्या कहेगा वो, या क्या कहेगी, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल, ठीक है, नहनु, ठीक है, वी, ठीक है। ये दमायर है जो आपको याद करना है, हुआ से लेकर के इस ऑर्डर में, हुआ हुमा हुम या हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंति अंतुमा अंतुमना, अना नहनु, इस ऑर्डर में क्या करना है आपको याद करना, ठीक है। अच्छा, अब ये आप देख चुके हैं ना जुमला, अभी जिसमें जो कॉमन क्या बातें हैं, ये जो आ रहा है ना, ये सब जुमले की शुरुआत में आता है ना। अभी हम लोग जो जितना सारा जुमला किया ना, हुआ किए हैं, ये जुमले की शुरुआत में आता है ना। अगर किसी को कहना है कि ऐना हामिदुन, अगर कोई जुमला कहना चाहता है इस तरीके से, अच्छा इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, क्या कहना चाहता है कोई शख्स, हामिद कहाँ है, ठीक है, तो ऐना हामिदुन, ठीक, ऐना हामिदुन अगर कहना है, हामिद कहाँ है, तो उसके जवाब में हम क्या देते हैं, आंसर देना है तो हामिदुन फिल फसली, हामिद क्लास में है, ये कहना है, ठीक है। हामिद थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, उम्मीद करते समझ में आपको आ जाएगा। फिल फसली, हामिदुन फिल फसली, लेकिन हामिद तो एक बार जिक्र आ चुका है ना, वेयर इज हामिद, ऐना हामिदुन, हामिद कहाँ है। अब क्यों कहेंगे हामिद का नाम, क्यों नहीं, क्या इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, दमीर इस्तेमाल करेंगे, हुआ फिल फसल, हामिद कहाँ है, क्लास में है, हामिद की जगह में क्या इस्तेमाल किए हम लोग, हुआ, ठीक है ना। बार बार हामिद हामिद कहने की क्या जरूरत है, हुआ फिल फसल, ये दमायर का इस्तेमाल है। तो ये जो दमायर, हम लोग 14 दमायर देखे ना, ये शुरू में आता है जुमले की शुरुआत में, हुआ हुमा हुम अगर ले लीजिए, सब का सब क्या होता है, ये शुरू में आता है, ठीक है, ये शुरू में आता है, ये दमाए जो है, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट जो है, ये समझ में आ गया आपको दमायर, तो क्या करना दमायर से, हमको करना क्या है हमें, ये नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे आपको, लेकिन आज आपको एक हल्का सा ट्रेलर बता दे रहे, हिंट बता दे रहे क्या आने वाला आगे, ठीक है। ये 5-7 मिनट में आपको जो आने वाला जो चीज़ें वो आज बता दे रहे हैं, ये लोग सैटरडे हो सकता है क्लास आने वाला, ठीक है, क्या होगा हम बता रहे हैं आने वाला क्या है, इसको आज 5 मिनट में आप समझ लीजिए, इंशाल्लाह इसकी वजात इंशाल्लाह 1 घंटे में नेक्स्ट क्लास में कर देंगे, ठीक है। तो कहना है हमें कि हामिद का सिलसिला चलता, हामिद के मुतालिक बात करते हैं, कि कहना है हमें हामिद की किताब, ठीक है, क्या कहना है हमें, हामिद की, अच्छा घर लेते चलिए, हामिद का घर, ठीक है, हामिद का घर, तो कैसे कहेंगे हम लोग, हामिद का घर, ठीक है, घर के लिए बैत वर्ड है और हामिद के लिए तो हामिद है, तो ठीक है, तो क्या लफ्ज़ बनेगा हामिद का घर के लिए, क्या कैसे कहेंगे हम लोग, बताइए कैसे कहेंगे हामिद का घर, कैसे कहेंगे जल्दी, बैतु हामिदिन, बस अल बैतु नहीं, ठीक है, बैतु हामिदिन, हामिद का घर, ठीक है, हाउस ऑफ हामिद, हामिद हाउस, बैतु हामिदिन, ये हो गया, ठीक है। लेकिन अब क्या करना है हमको, हामिद ये कहना है, समझ लीजिए हामिद, ये हामिद का घर है, तो हाजा लगा देंगे, हाजा बैतु हामिदिन, ठीक है। तो हमको सब उर्दू में समझ लीजिए, कहना है कि ये हामिद का घर है, हामिद का घर बड़ा है, हामिद का घर अच्छा है, बहुत सारी बातें कह रहे हैं, हामिद का घर बड़ा है, हामिद का घर अच्छा है, हामिद के घर में 4 लोग रहते हैं, हामिद का घर ऐसा है, हामिद का घर वैसा है, इतना बार हामिद 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 क्यों कहेंगे, सीधा सीधी क्या कहेंगे हम लोग, उसका घर,
उसके घर में 5 लोग है, उसका घर अच्छा है, उसका घर साफ सुथरा रहता है, ठीक है, उसके घर में टीवी नहीं है, ठीक है, उसके परिवार वाले जो है वो साले हैं, नेक लोग हैं, ठीक है, बार बार उस हामिद का घर क्यों कहेंगे? क्या कहना है हमको? कि हमें कहना है कि उसका घर, ठीक है ना, तो हामिद के बदली में हम लोग क्या करेंगे, कुछ लाना पड़ेगा, है ना, क्या लाएंगे, वही दमीर। तो हामिद को हटा करके क्या लाना है हमें, दमीर लाना है, ठीक है। तो ये जो दमीर कौन सा है, हामिद तो हो गया वो, जैसा भी किए हम लोग ऐना हामिदुन, तो क्या आया था ऐना हामिदुन, हुआ फिल फसली आया था ना, हुआ फिल फसली ये आया था ना, तो हामिद की जगह में क्या लाना है हमें, दमीर लाना है। तो क्या होगा वो दमीर, ठीक है, तो कौन सी दमीर होगी, क्या हुआ कह सकते हैं, अगर हुआ कह देंगे तो भाई तो हामिदुन मतलब हो गया हामिद का घर, तो हुआ लगाने के बाद में क्या हो जाएगा फिर, भाई तू हुआ, ठीक है, अगर हुआ लगा दे तो क्या हो जा रहा है, भाई तू हुआ, ठीक है, तो भाई तू हुआ क्या सही है और क्या माने होगा भाई तू हुआ का, भाई तू हुआ सही है क्या या गलत है, क्या माने होगा उसका, ठीक है, तो भाई तू हुआ का माने तो समझ में आ रहा है, ठीक है, भाई तू हुआ का माने समझ में आप आ जा रहा, अभी जो हम लोग चल रहे उस हिसाब से कि भाई तू हामिदिन मतलब हो गया क्या, हामिद का घर, तो उस तौर पे अगर देखेंगे भाई तू हामिद को बदल के हुआ ला देने से तो माने क्या हो जाएगा, उसका घर, यही ना है, भाई तू हामिदिन हामिद का घर और भाई तू हुआ उसका घर, ठीक है, लेकिन हुआ इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि अभी आपको अहम कायदा बताए थे, ये जो दमायरे हुआ हुमा हुम हिया, ये शुरुआत में इस्तेमाल होता है, कब आता है ये, शुरू में आता है, ये बहुत अहम बात बता रहे हैं, शुरू में आता है ये, शुरू में आता है ये, मिडिल ये किसी के साथ जुड़ता नहीं है इस तरह के दमायर, तो कहना हुआ यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये मिस्टेक हो जाएगा, हुआ नहीं, तो हुआ का दूसरा शकल आएगा, जब हुआ जुड़ जाता है किसी से, तो हुआ जब जुड़ जाता है किसी से तो क्या बन जाता है, हु बन जाता है, ठीक है, तो हुआ का जुड़ने वाला शकल क्या है, हु है, हुआ जब अकेले आता है तो क्या बनता है, हुआ, लेकिन हुआ जब जुड़ जाता है किसी से तो क्या हो जाता है, हु, तो भाई तू हुआ कहना गलत हो जाएगा, क्या कहना होगा हमें, भाई तू हु, क्या कहना होगा, भाई तू हु, तो आप अगर इसी पैटर्न पे अगर चले तो क्या लिखना पड़ेगा हमें, भाई तू हु, ठीक है, क्या कहेंगे हम लोग, भाई तू हु, ठीक है, भाई तू हु, ये हुआ, भाई तू मतलब हो गया उसका घर, भाई तू मतलब क्या हो गया उसको, भाई तू हुआ नहीं कह सकते, क्या कहना पड़ेगा, भाई तू हु, ठीक है, भाई तू, तो ये प्रोनाउन हो गया क्या, जो अटैच हो जा रहा है, क्या कहते हैं इसको, अटैच, और जो हुआ था वो क्या था, डिटैच था, सेपरेट था, ठीक है, वो क्या था, सेपरेट था, ठीक है, हुआ जो था वो क्या था, सेपरेट था, लेकिन जब ये जब अटैच होगा तो क्या हो जाएगा, हु बन जाएगा, ठीक है ना, हुआ है डिटैच्ड या सेपरेट कहिए, डिटैच अलग है, जुदा है, और ये क्या हो जाएगा, हु अटैच, जब अटैच करना, जब दमीर जुड़ता है किसी से जाकर, ठीक है, तो हु हुआ जो है हु बन जाता है, ठीक है, या हुआ का जुड़ने वाला शक्ल क्या है, हु है। अब इसी पैटर्न पे बताइए, कहना हमें कि ठीक है, आप में से जो नहीं जानते हैं, कायदा नहीं पढ़े, कुछ लोग आप में से पढ़ चुके हैं, जो नहीं पढ़े, जो आज पहली बार पता चली आपको ये कायदा, उनसे सवाल कर रहे हैं, इसी पैटर्न पे अगर कहना हमको क्या कि उसकी किताब, तो कैसे कहेंगे हम लोग, बताइए, उसकी किताब कैसे कहेंगे, जो नहीं जानता था जो ये कायदा, उससे सवाल किया जा रहा है, कहना उसकी किताब कैसे कहेंगे हम लोग, बताइए, उसकी किताब कैसे कहेंगे, उसकी किताब बताइए, उसकी किताब कैसे कहेंगे, किताब में ऐड कर दीजिए क्या, हुआ, किताब हुआ होगा क्या, ठीक है, उसकी किताब कहना है, क्या हो जाएगा, किताब हुआ या किताब हु, ठीक है, किताब हु, है ना, किताब हु, ठीक है, उस तरीके से जितने भी अल्फाज आप ले लीजिए जो आपको पता है, सैयारतु हु, उसकी घड़ी, कलम हु, उसका कलम, ठीक है, उसका कलम,
लास्ट में आता है, अटैच प्रोनाउन जो होता है, अटैच मतलब होता है क्या, लास्ट में आ रहा है ना, इसिम के लास्ट में अटैच हो जा रहा है अगर, तो उसको कहते हैं अटैच प्रोनाउन, ठीक है। अच्छा कहना है उसका रब, तो क्या होगा, रब रब रब, हाँ क्या हो जाएगा, रब्बुहू, रब्बुहू मतलब क्या होगा, उसका रब। अच्छा कहना है उसके, उसका रसूल कैसे कहेंगे, रब्बू मन उसका रब, रहना है उसका रसूल कैसे कहेंगे, रसूल हो, बहुत अच्छा, उसके रसूल यानी अल्लाह का रसूल, अल्लाह का रसूल, लेकिन कहना है उसका रसूल, तो रसूल हो क्या कहते हैं, उसका बंदा कहना है, बंदा अब्दुन, बंदा अब्दुन, उसका बंदा अब्दुन, बंदा कहना उसका बंदा कैसे कहेंगे, अब्दुहु, अब्दुहु, बहुत अच्छा, अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु उसके रसूल हैं, व रसूलुहु और उसके रसूल है, समझ में आ रहा है ना, ये दमायर देखिए जो अटैच हो जा रहा है, हु अटैच्ड हो जा रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो जितना 14 दमायर हम पढ़े हैं ना, सबका एक फॉर्म होता है, ये देखिए इस तरफ, ये हम लोग इंशाल्लाह, अगर आज समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी वजाहत करेंगे। ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये सेपरेट है, डिटैच वाला है, ये खाली शुरू में आएगा, ये सिर्फ शुरू में आएगा, लेकिन जब ये अटैच हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो जुड़ने वाला शक्ल कौन सा है, ये वाला जुड़ने वाला शक्ल है, ये जो बच गया ये जुड़ने वाला शक्ल, जब जुड़ेगा तो ये इस फॉर्म को इख्तियार करेगा, ये अटैच वाला, ठीक है। तो अभी इतने छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग मिलेंगे, कोई सवाल होगा, इसको मुत्तसिल कहते हैं, अटैच प्रोनाउन, ठीक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंशाल्लाह सैटरडे को मिलेंगे, अनाउंस कर दिया जाएगा, कोई सवाल हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप कर लीजिएगा, ठीक। अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह हम लोग के लिए अरबी सीखना सिखाना आसान करे, अल्लाह हमारे गुनाहों की मगफिरत करे, आमीन या रब्बल आलमीन। सुभानकल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।